गुरु जी श्री बी चौहान जी के चरणों को सत सत प्रणाम, आनंदी माँ को सत सत प्रणाम, प्रेम जी को सत सत प्रणाम, और यहाँ आए सभी मेंबर्स को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सबका इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हम जूम मीटिंग शुरू करते हैं। जिस किसी साधक का कोई प्रश्न है या फिर अपना अनुभव शेयर करना है, अपना हाथ उठाइए, अपने आप को अनम्यूट करें। जी श्रद्धा साहू, आवाज आ रही है मेरी? श्रद्धा साहू आप पूछ सकते हैं अपना प्रश्न। उनकी शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। किसी और साधक का कोई क्वेश्चन है तो अपना क्वेश्चन कर सकते हैं या अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। माता जी, अभी मेंबर्स जुड़ रहे हैं, वो थोड़ा लेट जुड़ते हैं। मैंने कई बार बोला भी है कि आप समय से आया करें, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहे हैं। जब टाइम खत्म होने को होता है तब वो मीटिंग ज्वाइन करते हैं। ठीक है, आज हम बताते हैं उपवास के ऊपर। उपवास जैसे अभी नवरात्र आ रही है, 26 सितंबर से 4 अक्टूबर 2022 में नवरात्र आ रही है, शारदीय नवरात्र। तो सभी कोई ये हमारा सनातन हिंदू धर्म का मतलब साल में 4 नवरात्र आती है, 2 गुप्त नवरात्र आती है और 2 प्रमुख आती है, जो जो पता है सभी को। जैसे शारदीय नवरात्र आती है और एक आती है चैत्र नवरात्र। ये 2 प्राय सभी कोई करते हैं, आम इंसान भी करते हैं, जो खाली पूजा पाठ दुर्गा सप्तशती पढ़ लेते हैं, रामायण पाठ कर लेते हैं और बाकी आहार वही पका वाला लेते हैं, जैसे फलाहारी लेते हैं बोलते हैं, सामा चावल खाते हैं, कुड्डू की आटा का रोटी, पकोड़े, पूरी, ये सब सिंघाड़ा की आटा का, बाकी खीर बना लेते हैं, फिर आलू बना लेते हैं, ये सब करके खाते हैं। उल्टा बोलते हैं हम उपवास करें, नवरात्र करे हैं, बोलते हैं अनाज छोड़ दिए बोलते हैं, लेकिन अनाज खाना खाने में जितना उनका समय खर्च होता है, जितना पैसे खर्च होता है, उससे ज्यादा पैसा खर्चा नवरात्रों में करते हैं। वही खाना पीना, वही उल्टा घी ज्यादा। जी अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी माता जी, अभी आ रही है। हाँ, तो ये करके उन्होंने समय उल्टा ये होता है। तो उपवास का अर्थ समझना है, हमारा न्यू डाइट सिस्टम में उपवास क्या बोलते हैं। उपवास अर्थ अपनी आत्मा के नजदीक, उप मतलब निकट, वास मतलब बैठना, किसके नजदीक बैठना, ना हमारे खुद की आत्मा की नजदीक बैठना है और उपवास उसी को बोलते हैं। और तब कब बैठ पाएंगे आत्मा के नजदीक? जब हमारा मन निर्मल होगा, जब हमारा मन निष्कपट होगा, तभी बैठेंगे तो हमको लाभ मिलेगा। तो वो कैसे होगा? जैसा खाएंगे अर्न ऐसा होगा मन। तो हम अगर हमारा भोजन परिवर्तन करेंगे, आग में पकाया हुआ भोजन छोप देंगे, कब से कम 9 दिन आग में पकाए हुए फूड जो अगर शाम में भी खा रहे हैं, तो संकल्प करिए कम से कम शाम के टाइम भी कुक फूड ना खाएं। अब दिन अगर नवरात्र कर रहे हैं मतलब, तो एनडीएस करें ना करें, वो हम मतलब करना तो चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी कर रहे, अगर कोई ये वीडियो सुनेगा, तो मेरा ये अनुरोध है
कम से कम 9 दिन माँ का, माँ प्रकृति के पास अपने आप को एक बार समर्पण करके देखिए। खाली फलाहार, फल फ्रूट सलाद मतलब ये सब लीजिए, बिना नमक का लीजिए, नमक छोड़ दीजिए, और 9 दिन जैसे माँ ने दिए हैं ऐसे लीजिए, मिल्क प्रोडक्ट छोड़ दीजिए और इसको करके देखिए, और हो सके तो संजीवनी क्रिया एनिमा भी करिए, तो 9 दिन में इतना आपको रिजल्ट मिलेगा, तो आप कम से कम न्यू डाइट सिस्टम को समझ पाएंगे और इसको अपना लाइफस्टाइल बना पाएंगे, कम से कम आगे बढ़ पाएंगे, करेंगे। तो इसीलिए मेरा अनुरोध है, जो भी ये हमारा ये वीडियो यूट्यूब में अपलोड होती है जूम मीटिंग का, तो जिन्होंने भी सुनेंगे सुन रहे हैं उनको मेरा यही बोलना है, कम से कम 9 दिन पूरी तरह आग में पकाया हुआ भोजन छोड़ दें, संकल्प करें पहले से, और मिल्क प्रोडक्ट दें, और संजीवनी क्रिया एनिमा जरूर करें, ताकि उसका रिजल्ट पता लग जाएगी 9 दिन में, और अभी से करें तो ज्यादा अच्छा है। अगर कल भी मेरा कोई ये यूट्यूब में अपलोड वाला वीडियो सुनेंगे तो जब भी सुने तभी से छोड़ दें आग में पका हुआ भोजन, कम से कम 20-25 दिन छोड़ के, मिल्क प्रोडक्ट छोड़ के देखिए, एनिमा पॉट मिल जाती है मेडिकल शॉप में, कहीं भी आप रह रहे हैं नहीं तो मंगवा लीजिए, और संजीवनी क्रिया करिए। हमारा वीडियो है, हमारा एनडीए साधना केंद्र आनंदी माँ सुरेश जी ऐसे नाम में एक यूट्यूब चैनल है, उसमें कैसे एनिमा करना है, क्या न्यू डाइट सिस्टम है, सभी कुछ बताया गया है। न्यू डाइट सिस्टम बीबी चौहान गुरु जी का भी ऑरेंज कोटी का एक फोटो है, और उनका भी वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसी में भी हमारा वीडियो सब बहुत वीडियो है गुरु जी के चैनल में भी, तो आप लोग इसको सुनिए और सुन के शुरू कर दीजिए, कम से कम नवरात्र खत्म तक, दशमी तक, 5 अक्टूबर तक करिए, तो आपको इसका रिजल्ट पता लग जाएगा। 20 दिन में क्या क्या कमाल होता है, क्या चमत्कार होता है, ये आप करेंगे तो पता लगेगा। हम बोलते हैं कि चमत्कार चाहिए, चमत्कार चाहिए, चमत्कार देखना चाहते हैं बोलते हैं, तो चमत्कार अगर चाहिए तो कम से कम कुक फूड छोड़ दीजिए, मिल्क प्रोडक्ट छोड़ दीजिए, बीड़ी सिगरेट नशा नॉन वेज ये सब छोड़ दीजिए, पैकेट बंद फूड छोड़िए, और एक बार हमारा, हम एक संत हैं तो हमारा बात को मान के देखिए, और इसी तरीके से नवरात्र करिए, तो आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और माँ प्रकृति ही नव दुर्गा का रूप है, तो उन्हीं के पास समर्पित होके उन्हीं से शक्ति मांग के करिए, तो आपको लाभ ही लाभ होगा, फिर आप न्यू डाइट सिस्टम को समझ पाएंगे और आगे भी कर पाएंगे। तो यही मेरा बोलना है, उपवास मतलब उसी समय आप अपने नजदीक बैठिए, ध्यान सुमिरन करिए, मौन रहिए ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को, अपने को समय दीजिए। अपने को समय दीजिए मतलब क्या, हम अपने अपने को थोड़ा शुद्ध करने के लिए, शुद्धिकरण करने के लिए, अपने शरीर को, अपने मन को, शरीर को कायाकल्प करने के लिए थोड़ा समय दीजिए, ताकि आप स्वस्थ रहेंगे तो दूसरे का सेवा कर पाएंगे, दूसरे को इस रास्ता बता पाएंगे, कितने लोग आपको देख के सुधरेंगे। तो यही मेरा बोलना है, और अभी अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, साधक का कोई प्रश्न है तो अपने आप को अनम्यूट करें। और हमारा अभी निर्जला शिविर है, हमारा दिव्याशीष परम सुख आश्रम हिमाचल प्रदेश सुंदर नगर में, हमारा 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक है। जो लोग घर में लंबा निर्जला नहीं कर पा रहे हैं और घर में काम होता है बहुत, क्योंकि इसमें विश्राम चाहिए लंबा निर्जला में, तो अभी से उन्होंने रसाहार पे रह जाइए, मतलब फ्रूट एक शाम को फ्रूट लीजिए, शाम तक रसाहार पे रहिए, नहीं तो पूरी रसाहार पे रह जाइए, ताकि लंबा निर्जला कर पाएंगे। अगर आप करना चाहते हैं हमारे यहाँ आके किसी के, जैसे सुरेश जी का निगरानी में करना चाहते हैं कि हम भी हैं इधर, तो यहाँ करना चाहते हैं तो आप आके इसका लाभ उठाइए तपोभूमि का, और आप लंबा निर्जला यहाँ आके कर सकते हैं। धीरे धीरे एक एक दिन करके बढ़ना है,
यहाँ विश्राम मिलेगा आपको, कोई व्यवस्था देखना नहीं पड़ेगी, माइंड को भी विश्राम मिलेगा, मन को भी, तन को भी, और अपनी भजन सुमिरन ध्यान पे भी आप ध्यान दे सकेंगे, ताकि आप लंबा निर्जला कर पाएंगे। ये बहुत सुनहरी मौका है, द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी को कोई मतलब हराना नहीं चाहिए। और ये निशुल्क है, बड़ी बात है, निशुल्क। यहाँ कोई कमरे का चार्ज नहीं लिया जाता है, कोई मतलब बिजली पानी का चार्जिंग नहीं लिया जाता है, कोई भोजन का चार्जिंग नहीं लेते हैं, कोई पाउडर नहीं देते हैं, दवाई रहित होता है यहाँ। तो ये सब का इतनी, ये हमारा सुरेश बेटा क्रोनिक डिजीज कैंसर से ठीक हुए हैं, तो यही नई भोजन पथा प्रणाली न्यू डाइट सिस्टम अपना के, तो ये इन्हीं का मतलब संकल्प है कि यहाँ आके वो जैसे ठीक हुए हैं, ऐसे सभी को चाहते हैं कि दवाई रहित हुए, तो उन्होंने जैसे ठीक हुए हैं यहाँ आके वो करवाते भी हैं जो आते हैं। तो आप यहाँ का लाभ लीजिए, जो भी यह सुनेंगे, जो निर्जला करना चाहते हैं लंबा, यहाँ बहुत बढ़िया सुविधा है, आके कर सकते हैं। जी माता जी, निरंजन चटर्जी का मैसेज आया अभी, क्या रात में बनाना खा सकते हैं, वो पूछ रहे हैं। हाँ जी, कोई भी मतलब नेचुरल फूड, जो गॉडमेड फूड भोजन कर सकते हैं, इसमें रात दिन का, रात का कोई ये नहीं है। बहुत लोग सवाल करते हैं कि रात को केला खा सकते हैं क्या, रात को खीरा खा सकते हैं क्या, ये ठंडा होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है न्यू डाइट सिस्टम में, हमारा नई भोजन पता प्रणाली में ऐसा कुछ भी नहीं है। गॉडमेड फूड रात को खा सकते हैं। अब मैं एक आस्थमा, मेरा आस्थमा थी पैदाई से, बचपन से मेरा जन्म से आस्थमा थी, दमा था, तो मेरे माता ने बहुत जगह दिखाते थे, सभी पथी थेरापी कर चुके थे, तो होम्योपैथी आयुर्वेदिक सब, एलोपैथी सब कुछ कर चुके थे, योगो प्राणायाम सब, लेकिन किसी में भी इतना आराम नहीं आती थी, इनहेलर लेना पड़ता था बार बार, मेरे को सांस की प्रॉब्लम हो जाती थी, ठंडी एरिया में नहीं रह पाते थे, पहाड़ी नहीं चढ़ पाते थे, सांस फूल जाती थी, तो दवाई बहुत लिए, बहुत कभी ऑक्सीजन लगाना भी पड़ता था हॉस्पिटल में। लेकिन अभी हम हिमाचल प्रदेश में ठंड एरिया में रहते हैं, सर्दी में बहुत ठंडी पड़ती है, बर्फ भी पड़ती है, और हमको ठंडी एरिया में रहना भी मना था, लेकिन केला भी, मुझे केला तो मेरे को पूरी मना था, केला खाना ही नहीं है बोलते थे डॉक्टर लोग, लेकिन अभी मैं केला बहुत खाती हूँ, और रात को मैं रात को ही खाती हूँ, क्योंकि केला ऐसे भी थोड़ा भारी होता है, तो भारी चीज मतलब रात को खाना चाहिए, पृथ्वी तत्व में जाती है बोल के, तो केला मैंने रात को ही दो दो तीन तीन केला खा लेती हूँ, और फिर भी मुझे कोई जुकाम सर्दी नहीं होता है, ना सांस फूलती है, ना कफ होता है, ना दमा होती है, तो ये सब हमारा एनडीएस का ही कमाल है, जो इसी को पूरी तरह अच्छी से अपनाते हैं, पका वाला भोजन छोड़ देते हैं, संजीवनी क्रिया करते हैं, निर्जला करते हैं, लंबा लंघनम परम औषधम, जो लंघन करते हैं, लंबा करते हैं, और लंघन जब खोलते हैं तब रेचक जूस, डिटॉक्स जूस में ही खोलना चाहिए हमको, जो कि हमारा न्यू डाइट सिस्टम का ये बहुत बढ़िया एक नियम है, और 6 डिटॉक्स जूस है, पहले भी बताया गया है, खीरा करेला टमाटर, खाली टमाटर, सफेद पेठा का जूस हो गया, छिलके समाप्त अनार को पीस के उसका रस हो गया, बाकी हरी पत्ती में आमला डाल के लेना, इसका रीजनल सीजनल ओरिजिनल लेना चाहिए, तो ये सब ले सकते हैं। और ऐसा कोई कॉन्स्टिपेशन के लिए केला नहीं लेना ऐसा बोलते हैं, लेकिन ये सब मैं, हम नहीं मानते, मेरे को भी था, मैं भी पहले, मेरे को कायम चूर्ण बहुत अच्छा लगती थी, मेरे माता ने लेती थी, तो मैं भी उसके साथ चाट चाट के खा लेती थी, और रात के समय में ऐसे आदत बन गई, तो मैंने को अपने आप कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, जबकि मेरे को नॉर्मल नेचुरल कॉल आती थी, और मैंने ये आदत बना दी, और मैंने जैसे कायम चूर्ण खाती गई, माँ खाती है बोल के देख के, और मैं आदत बन गया, तो नेचुरल कॉल बंद हो गया, और लेने से जाके आती थी टॉयलेट मुझे, तो वो मेरे को बहुत ये हो जाती थी, परेशानी हो जाती थी, लेकिन जब न्यू डाइट सिस्टम करे, मैं वो पाउडर छोड़ दी, और उल्टा इस संजीवनी क्रिया करके, और ऐसे ही निर्जला करके, लंबा लंबा निर्जला करके, लंघन को बढ़ा के, और नेचुरल फूड, गॉड मेड फूड जूस पे रह के,
मेरा कॉन्स्टिपेशन भी दूर हो गया और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं केला खाती हूँ। कॉन्स्टिपेशन नाम की कोई चीज नहीं है, हमारे अंदर गंदगी है, मल है, कोई भी रोग का नाम नहीं है, हम खुद नाम दिए हैं। तो इसको मतलब डॉक्टर लोगों ने, मेडिकल साइंस ने नाम दे दिया, तो हमको अपने शरीर की मल को सफाई करना है। तो जितना जितना हम सफाई करेंगे, लंघन बढ़ाएंगे, रेचक जूस लेंगे और एनिमा करेंगे, संजीवनी क्रिया करेंगे, सवेरे 2 बार, दोपहर 2 बार, शाम को 2 बार, तो आराम से कॉन्स्टिपेशन सब कुछ दूर हो जाता है। इसका कोई चिंता नहीं करना चाहिए। खाली करेला का जूस नहीं लेना है। अभी मैं मैसेज पढ़ रही हूँ जिन्होंने लिख रहे हैं, मतलब करेला ले सकते हैं लेकिन कड़वा लगती है बोलकर हम खीरा टमाटर मिलाते हैं। जैसे डिटॉक्स का काम तो करेला ही करता है, क्लींजिंग करेला ही करता है, तो करेला क्लींजिंग का काम करता है, आंवला भी क्लींजिंग का काम करता है, सफाई का काम। अगर लेते ले लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन वो टेस्ट के लिए थोड़ा खीरा टमाटर डला जाता है। माँ, उसमें खीरा डालने का एक कारण और भी है। हाँ जी, खीरे की तासीर ठंडी होती है और करेले की तासीर गर्म होती है माँ। हाँ जी, तो उनको लेवल करने के लिए उसमें खीरा या टमाटर डाला जाता है माँ। अगर अकेला करेला लेंगे हम, ज्यादा टाइम नहीं ले पाएंगे, उसमें हमें लूज मोशन होना शुरू हो जाएगा माँ बहुत जल्दी। हाँ, किसी किसी को जो जिनको कड़क कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो खीरा करेला टमाटर में भी मतलब उनको नहीं होता है, जैसे मोशन नहीं आती है, तो करेला का मात्रा बढ़ा सकते हैं। हाँ, वो मात्रा बढ़ा सकते हैं, लेकिन लेना खीरा टमाटर के साथ ही चाहिए। हाँ, तो खीरा टमाटर के साथ करेला लेना है और मात्रा बढ़ा सकते हैं अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो। जी और जी भी कोई अभी चैटिंग कर रहे थे, अभी कोई कुछ लिखे, मैं थोड़ा माइंड ये हो गया, पढ़ नहीं पाई, कोई प्रश्न हाँ जी पूछ रहे माता थे। जी, वो कह रहे हैं कि डायबिटीज पेशेंट ये मूंग वगैरह मतलब अंकुरित दाले या खा सकते हैं, और डायबिटीज पेशेंट ये केला भी खा सकते हैं। देखिए, पहले हमको नमक के प्रति दृष्टि नहीं देना चाहिए। पहले हम खाली गॉड मेड फूड, अनाज हमारा मतलब खाद्य नहीं है, लेकिन वो जब रोग मुक्त हो जाते तब थोड़ा सा लगता है कि कुछ खाएं तो अंकुरित स्प्राउट करके लेते हैं अनाज, लेकिन उसके जगह में वेजिटेबल सीड का स्प्राउट ज्यादा अच्छी होती है, हेल्दी होती है। जैसा मेथी दाना हो गया, मूली हो गया, सलगम हो गया, इसका बीज मिलती है। जैसे वो वेजिटेबल सीड अमेजन से ऑर्डर करना पड़ता है, बाहर तो केमिकल लगा हुआ मिलेगा जो बोते हैं, लेकिन वो अमेजन में मिल जाती है। मेथी तो ऐसे ही मिल जाती है, लेकिन बाकी हमारा जो मूली का, सलगम का अमेजन से मिल जाती है, उसको मंगवा के उसका अंकुरित स्प्राउट ले सकते हैं रात के टाइम में। और बाकी केला भी खा सकते हैं डायबिटिक वाले, लेकिन पहले थोड़ा सा अपने को जूस पे रखिए और थोड़ा लंघन बढ़ाइए। यहाँ हमारा एक साधक आए थे संतोषी जी बोल के, उनका मतलब शुगर 700 था, 700-600 था, और उन्होंने यहाँ 10 दिन में कम करके गए, और उन्होंने लगातार 4 निर्जला फास्टिंग करे, फिर ऐसे टोटल 10 दिन में 6 निर्जला करे उन्होंने, और 4 दिन जूस पे रहे, और उसी में उनका 4 दिन बाद, निर्जला का 4 दिन बाद उनका नॉर्मल आ गया था, 87-86 उनकी थी मतलब शुगर फास्टिंग वाला, और उन्होंने बहुत खुश भी हुए। लोग बोलते हैं, डॉक्टर लोग बोलते हैं फास्टिंग नहीं करना चाहिए, उपवास नहीं करना चाहिए डायबिटिक वाले, लेकिन उन्होंने फास्टिंग करके कुछ नहीं लेके उन्होंने उनका मतलब रिजल्ट आया, नॉर्मल हो गया। तो इसके लिए ये सब नहीं, मतलब केला वाला का बात अभी नहीं लेना है, लेओ, लेकिन थोड़ा पहले अपने को 15-20 दिन जूस पे रखिए, तब उसके बाद केला लीजिए। और स्प्राउट के बारे में अनाज बाद में, बात का बाद है, आप अभी पहले जूस और फ्रूट गॉड मेड फूड में रहना है। हाँ
जी माता जी, एक और मैसेज आया है कि रसाहार के दौरान हम नारियल पानी या फिर नारियल का दूध ले सकते हैं। नारियल दूध रसाहार में नारियल दूध नहीं गिना जाता है। नारियल दूध को रसाहार नहीं बोलते, लिक्विड बोलते हैं उसको, लेकिन रस का आहार मतलब वेजिटेबल जूस, फ्रूट जूस को रसाहार बोला जाता है। नारियल पानी ले सकते हैं। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट करें या फिर अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो भी अपने आप को अनम्यूट करें। जी, जिस किसी साधक का कोई प्रश्न है अपना हैंड रेज करें। कविता, कविता जी है? कविता जी नहीं है? नहीं माता जी, कविता नहीं है। जी नरेश शर्मा, आप अपने ऑडियो सिस्टम पहले ऑन करें। हाँ जी, तब तक किसी और साधक का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सुरेश बेटा को मैं एक सवाल पूछूंगी। बहुत साथ मुझे फोन में पूछ रहे हैं कि जो लोग पतले हैं, जिनका वेट कम हो गया है और कैंसर हुआ है उनको, तो उन्होंने किस तरीके से मतलब ये करेंगे, किस तरीके से न्यू डाइट सिस्टम अपनाएंगे, किसको 35 किलो वेट है, अगर 38 किलो वेट है तो वो कर पाएंगे क्या निर्जला, वो कर पाएंगे क्या, कैंसर है उनको तो वो कर पाएंगे क्या, कि किस तरीके से वो करेंगे, थोड़ा सुरेश बेटा बताएंगे। मत देखो, जिसको कैंसर है और उसको ठीक होना है तो उसको करना ही होगा, और उसको ठीक नहीं होना बिल्कुल ना करो। वेट की चिंता करता रहे, वेट कम हो गया, इतना कम हो गया जी, इतना कम हो गया, तो वाहियात की बातें हैं। हमारे पास आपने देखा होगा 28 किलो वेट तक के भी साधक आए हैं, रहे हैं, तो उनको भी कुछ नहीं हुआ। तो वेट का इससे एनडीए सिस्टम से कोई है ही नहीं वास्ता इसका। वेट जितना भी कम हो जाए शरीर का, एक लेवल तक ही कम होगा, उस लेवल का के वेट घटेगा ही नहीं जितना हमें शरीर को चाहिएगा, और उस लेवल तक भी तभी रहेगा जब तक हमारे शरीर में गंदगी है, उसके बाद अपने वेट अपना अपने आप ऊपर होना शुरू हो जाएगा। मैं लेकिन मैं तो अनुभव है वो यही है। हाँ बोलिए। 25 है कि किसका 66 एज है, मतलब एज ज्यादा है और वेट कम है, तो एज ज्यादा वाले भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो भी सवाल करते हैं मुझे फोन में, तो मैं सोची कि ये बात आपको इसी में पूछूंगी तो यूट्यूब में अपलोड होगा तो आंसर उन सभी को मिल जाएगा बोल के। माँ, एज कोई भी हो और वेट कितना भी हो, इससे इसका कोई मतलब वास्ता है ही नहीं। कैंसर का हराना उसका एक मेरा जो अपना फार्मूला हो तो यह है, भूखे मरना और ऐश करना। अच्छा जी। अगर हमें कैंसर को हराना है तो हमें फार्मूला अपनाना होगा, भूखा मरना और ऐश करना जी। मतलब जिंदा होना है तो भूखे मर, निरोगी काया हाँ। है चाहिए तो भूखे मर। आपको चौहान गुरुजी ने यह मंत्र बोले थे पहले दिन में, तो आप वो बात पकड़ के अपने आप 11 दिन का निर्जला करे उसी आधार पे और आप खड़े हो गए, तो इस बात का आपके अनुभव है तभी आप ये बात बता रहे हैं कि भूखे मरो और ऐश करो। मां, भूखे मरने का मतलब ये नहीं कुछ भी खाना पीना ही नहीं है,
निर्जला करना है और उस समय तक करना जहां तक हमारा शरीर बर्दाश्त कर सके, आराम से हम निर्जला कर सके उसी टाइम तक हमें निर्जला करना है। उसके बाद एक दिन दो दिन लिक्विड पे रहना, उसके बाद फिर दोबारा से निर्जला करना, उसमें अपना टाइम बढ़ाते जाना। हमें कहने का मतलब जितना ज्यादा हम निर्जला करेंगे उतना जल्दी हमें रिजल्ट मिलेगा। जी मेन बात है विल पावर, मनोबल, मन के अंदर जीने की इच्छा होना चाहिए और दूसरे के लिए जीना है और दवाई रहित दुनिया के लिए जीना है और उसी के लिए सेवा करना है दवाई रहित करने के लिए। जो इस तरीके से करते हैं और धीरे धीरे निर्जला को बढ़ाते हैं और नहीं रह पाने से लिक्विड कम से कम पका वाला एक भी चम्मच न लें, कम से कम इतना करें और थोड़ा लिक्विड में रहें तो भी हो जाता है। लेकिन हम चीटिंग करते हैं, लोगों ने बीच बीच में एक एक दो दो चम्मच टेस्ट के लिए ले लेते हैं, बोलते हैं हम तो खाते नहीं हैं, लेकिन लेते एक चम्मच दो चम्मच है, वो एक दो चम्मच वही काम करता है जो पूरी कटोरी करता है। ये बात उनको समझ में नहीं आती है। जैसे थोड़ी सी दूध में नींबू, नींबू का दूध में थोड़ी सी नींबू का रस डाल गया तो फट जाता है, इस तरीके से ये बात को याद रखना चाहिए सभी ने कि अगर हम एक भी चम्मच पका वाला लिए तो वही चीज हमको मेहनत इतना करना पड़ेगा और कोई फायदा नहीं है, बेक जाएंगे, उल्टा बढ़ेगा, रिवर्स होगा, मतलब इस चीज का भी याद रखना चाहिए। माँ मैं एक बात बताना चाहूंगा, कैंसर से आदमी कभी नहीं मरता, या तो कैंसर के डर से मरता है या डॉक्टरों का इलाज से मरता है। कैंसर से आदमी कभी नहीं मरता है, या तो कैंसर के डर से मरता है और या फिर डॉक्टरों का इलाज से मरता है। अगर कोई भी आदमी सही तरीके से एनडीएस का पालन करता है ना, तो उसको कैंसर नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, उसको ठीक करने में खुद अपने आप सक्षम होता है वो आदमी। एज भी कोई माने नहीं रखता, जैसे बहुत प्रश्न हो एज वाले बहुत करते हैं। नहीं, कोई एज माने नहीं रखता माँ इसमें। और जो लोग कीमो ले गए होते हैं, काफी रेडिएशन कर लिए होते हैं और फिर आते हैं मतलब एनडीएस करने को, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? उसमें भी रिजल्ट मिलता है, लेकिन थोड़ा सा स्लो मिलता है उसमें रिजल्ट, लंबा समय लगता है उसमें, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि किमो का जो जहर हमारे शरीर के अंदर डाला गया उसको भी हमें निकालना होता है पहले। हाँ, तो मतलब समय लगती है उसमें थोड़ा ज्यादा, लेकिन ऐसा चलो कुछ भी नहीं है इसमें। जी बस विश्वास होना चाहिए, समर्पण भाव होना चाहिए, धीरज रखना चाहिए, वैसे और उपवास और एनिमा संजीवनी क्रिया करना चाहिए। ये अच्छी बात है, रसाहार करें काफी। अभी भी दो तीन कैंसर वाले जुड़े हुए हैं, तभी मैंने आपको बोली, वो प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं लेकिन आप बता दीजिए ताकि उनको मतलब थोड़ा मनोबल बढ़े उनका और करें इसी सिस्टम को। तो और कोई सवाल करना चाहते हैं तो बेटा आप देखिए। हाँ जी माता जी, रवि रंजन सिंह ने मैसेज किया है, ओटोफोबी क्या होती है, क्या ये सभी पर एक जैसा प्रभाव डालती है? उनका ये सवाल है माता जी। कौन सा प्रभाव? ऑटोफोगी क्या होती है, यह के दिया ये सभी पर एक जैसा प्रभाव डालती है ऑटोफोगी? परहेज, ऑटोफेगी ये होता है जैसे हमको हमारे अंदर खजीवनी शक्ति, प्राण शक्ति जो बैठे हैं उनको हमको समय देना है हमारा हीलिंग करने के लिए, रोग मुक्त करने के लिए। तो ऑटोफेगी ये है कि जब हम नहीं खाते हैं नहीं पीते हैं तब वो हमारा सिर्फ मल निकालने में हमारा अंदर की गंदगी दोषों को खाता है, तभी जाके ऑटोफेगी बोला जाता है। जब 24 घंटा में हम तो हर समय खाते ही रहते हैं, कभी भी समय नहीं देते हैं उनको, थोड़ा मतलब रेस्ट नहीं देते ना मुख को ना पेट को, तो इसके लिए हमारा ऑटोफेगी नहीं होती है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, जैसे 24 घंटा में 8 घंटा हमको निराहार रहना है, 8 घंटा खाना है, 8 घंटा खाली मतलब सोना है, सोते समय हमारा डाइजेशन होती है, सोते समय जैसे हमारा इसीलिए बोला जाता है एनडीएस में, उठते ही 8 घंटा निराहार और 8 घंटा 12 से मतलब 8 बजे तक खाओ, और 8 से फिर
4 बजे तक, सवेरे 4 बजे तक कुछ भी नहीं, उसी समय डाइजेशन होती है, वो हजम होती है। फिर 4 बजे से 12 बजे तक जो 8 घंटा होती है, उसमें आपका मतलब वो इंटरमीडिएट फास्टिंग बोलते हैं, उसी में ऑटोफेगी होती है। तो मतलब खाली जब रखते हैं तब समय मतलब 16 घंटा हो गया, रात का 8 बजे से दिन का 12 बजे तक आपको 16 घंटा खाली रखना है। उसमें से खाली तो 8 घंटा ही रहेंगे, जो 12 से 8 तो आपका आठ से 4 तो आपका डाइजेशन में चला जाएगा, खाना पड़ा रहता है अंदर, तो वो खाली नहीं बोला जाता है। लेकिन 4 से जो सवेरे 4 से जो 12 जो मतलब उठते ही 8 घंटा वो खाली रखना है, तो वो चीज में ऑटोफेगी होती है, उसको लंघन बोला जाता है। मतलब हिंदी भाषा में हमारा आयुर्वेद में जो लंघनम परम औषधम, उसको औषधि बोला जाता है, परम औषध में परम है। इसको जो जितना जितना बढ़ाता है धीरे धीरे, 12 के 8 घंटा की जगह में 10 घंटा, 10 के जगह में 12 घंटा, ऐसे कर करके 24 घंटा, ऐसे धीरे धीरे जो 1 दिन 2 दिन 3 दिन करता है, 3 दिन बाद में जाके ऑटोफेगी अच्छी से होती है। 3 दिन निर्जला जब न खाना न पीना करते हैं, उसके बाद जाके गुड बैक्टीरिया सृष्टि होती है, जो हमारा बेड बैक्टीरिया को खाता है, जो हमारा दोषों को खाता है, और एक एक दिन करके मतलब मल्टीप्लाई होते हैं। ये हम टेस्ट करे हैं, मतलब ये देखने के लिए जब हम निर्जला करे हैं, वो हम जाके टेस्ट करवाए हैं, तो 4th दिन में 250 बढ़ती है, 5th दिन में और 250 बढ़ती है बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, ऐसे मल्टीप्लाई होती जाती है, 500, 700, 800 बढ़ती जाती है। और वो गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया को खाते तभी लंबा निर्जला फास्टिंग करने को बोला जाता है, जितना हम खाली रखते तभी ऑटोफेगी होती है और हमारा अंदर की गंदगी निकलती है और हम निरोगी होते हैं, रोगों को ठीक करते हैं, तो इसी को ऑटोफेगी बोला जाता है। जी माता जी, उनका ये सवाल भी है, क्या ये ऑटोफेगी सभी पर एक जैसा प्रभाव डालती है या अपने शरीर के अनुसार, ये अपने शरीर के अनुसार प्रभाव करती है या सभी पर एक जैसा प्रभाव डालती है, ये उनका सवाल है। जी माता जी, आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ बताओ। हाँ जी, उनका सवाल है कि ये ऑटोफेगी सभी पर एक जैसा प्रभाव डालती है या अलग अलग डालती है, किसी पर इसका सभी पर होता है? नहीं, जो जितना जितना लंबा निर्जला करेगा धीरे धीरे समान मात्रा में नहीं होगा, क्योंकि किसका रोग कैसा है, किसने किस तरीके से भोजन किया है पहले से, उस तरीके से वो मतलब ठीक करते जाएंगे। ये चीज को समान मात्रा में सबका नहीं होता, सबका शरीर अलग अलग है, खान पान पहले का अलग था सब कुछ, तो इसके लिए अलग अलग तरीके से होगा। किसका रोग कैसा है, किसका कितना कौन दवाई ज्यादा लिया है, मेडिसिन कितना जहर डाला है अंदर में, कितना कीमो करा, ये सब चीजें निर्भर करता है अलग अलग। जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं? लेकिन तो जो 10 दिन पूरा कर लेता है और 11-12 दिन में पहुंच जाता है, उसका पूरी तरह अच्छी से बहुत जल्दी हो जाता है। हाँ जी, जिस किसी साधक का कोई प्रश्न है वो अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ जी, बाबूलाल सोनी जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। माता जी को प्रणाम। इसमें सेब का जूस कैसे रहेगा सर? क्या सेब का जूस है सर? सेब, सेब का जूस निकाल करके ये कैसा रहे इसमें? किसमें सेब का जूस ले सकते हैं? सेब का जूस ले सकते हैं, अदरक पुदीना वगैरह डाल के सेब का जूस बना सकते हैं। जो ओरिजिनल ओरिजिनल है उस चीज जूस ले सकते हैं।
इसमें पुदीना भी डाल सकते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी।